नमस्कार दृष्टि आयुष के टुडेस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकेप देख लेते हैं पहला प्रश्न है हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस पायदान पर रहा इसका सही जवाब है एक अगला प्रश्न है हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है इसका सही जवाब है चौथा अगला प्रश्न है व्हाट्सऐप ने भारत में अपने भुगतान कारोबार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक शीर्ष अधिकारी के रूप में हायर किया है इसका सही जवाब है मनीष महात्मे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी कंपनी रूस की स्पुतनिक फाइव कोविड वैक्सीन की 200 मिलियन खुराक बनाएगी इसका सही जवाब है स्टेलिस बायो अगला प्रश्न है हाल ही में हैंडबुक ऑन एथिक्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का विमोचन किया गया इस हैंडबुक को किसने तैयार किया है इसका सही जवाब है उपरयुक्त दोनों अगला प्रश्न है विद्युत मंत्री आर के सिंह ने किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है इसका सही जवाब है बिहार अगला प्रश्न है मिशन इनोवेशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस इवेंट के दौरान की गई थी इसका सही जवाब है पेरिस एग्रीमेंट अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई अमेरिकी रक्षा सचिव का क्या नाम है इसका सही जवाब है लॉयड जे ऑस्टिन अगला प्रश्न है डस्टलिक नामक संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण युद्धाभ्यास का संबंध भारत और किस देश से है इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान अंतिम प्रश्न है खबरों में रही कमलप्रीत कौर नामक खिलाड़ी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है इसका सही जवाब है डिस्कस थ्रो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर तीन पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा या फिर बिहार इसका सही जवाब ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने तीन महिला योद्धाओं के नाम पर तीन पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की इन तीन महिला योद्धाओं के नाम रानी अवंतीबाई लोधी उदा देवी एवं झलकारी बाई है इन तीनों महिलाओं ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया आपको बता दें कि रानी अवंतीबाई लोधी ने रामगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है 21 मार्च 22 मार्च तेईस मार्च या फिर चौबीस मार्च इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाईस मार्च हर साल बाईस मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है इस साल इस दिवस की थीम है वेलोइंग वाटर इस थीम को चुनने का मकसद लोगों को उनके दैनिक जीवन में पानी के महत्व के बारे में बताना है इस दिवस को मनाने का मकसद वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है गौरतलब है कि विश्व जल दिवस मनाने का संकल्प पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर उन्नीस को लिया गया था इसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान लॉन्च किया बताइए इस अभियान की थीम क्या है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स कैच द रेन टू कंजर्व वाटर कैच द रेन टू फाइट अगेंस्ट ड्रॉट या फिर बेटर मैनेजमेंट ऑफ वॉटर लीड्स टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ लाइफ इसका सही जवाब ऑप्शन ए कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान लॉन्च किया इस अभियान की थीम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स यह अभियान देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा यह अभियान 22 मार्च 2021 यानी मॉनसून से पहले से 30 नवंबर 2021 हजार यानी मानसून के बाद तक चलाया जाएगा इसका मकसद रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण का प्रयास करना है ताकि बारिश के पानी का भंडारण सुनिश्चित किया जा सके तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है अक्सर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट खबरों में रहता है बताइए इसका संबंध किन राज्यों से है उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसका सही जवाब ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रव्यापी योजना की यह पहली परियोजना है इस प्रोजेक्ट के तहत बांध और नहर के जरिए केन नदी के पानी को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा इस परियोजना से हर साल 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की, की सिंचाई लगभग बासठ लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर रायसेन जिले आदि और उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा झांसी और ललितपुर जिले शामिल है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अगला प्रश्न है बिहार दिवस 2021 की थीम क्या है जल जीवन हरियाली सात निश्चय बनाएगा बिहार को महान हमारा बिहार समृद्ध बिहार या फिर मजबूत बिहार समृद्ध बिहार इसका सही जवाब ऑप्शन ए जल जीवन हरियाली आज यानी बाईस मार्च को बिहार अपना एक बिहार स्थापना दिवस मना रहा है आज ही के दिन बिहार 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था बिहार स्थापना दिवस 2021 की थीम है जल जीवन हरियाली देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीईपीसी e. यानी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने छोटे स्तर पर बिहार दिवस उत्सव मनाने का निर्णय लिया है बीईपीसी e. बिहार दिवस सेलिब्रेशन की नोडल एजेंसी है बिहार दिवस के अवसर पर देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन बिहार म्यूजियम पटना में किया जा रहा है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन किया यह आयोजन सात दिनों तक चलेगा इसमें वर्चुअल माध्यम से दुनिया के कई प्रसिद्ध म्यूजियम की खूबियाँ और विशेषज्ञता एक साथ देखने एवं समझने को मिलेगी इसमें दुनिया के किसी कोने से ऑनलाइन भी शामिल हुआ जा सकता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है 21 मार्च 22 मार्च 23 मार्च या फिर 24 मार्च इसका सही जवाब ऑप्शन ए 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है इस साल के इस दिवस की थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बींग संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाने की घोषणा की थी इस दिवस को मनाने का मकसद सभी प्रकार के जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है यह है दिवस यू यानी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट एवं यू की एफ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट सरकार एवं इस क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर मनाता है इस साल इस दिवस के लिए थीम कोलेबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट द्वारा चुनी जाती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है लखनऊ गोरखपुर कानपुर या फिर वाराणसी इसका सही जवाब ऑप्शन बी गोरखपुर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा इस सेंटर का निर्माण किया गया है इसके निर्माण में लगभग बावन करोड़ रुपए का खर्च आया है इस सेंटर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मसलन मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल पार्किंग कैंटीन और पुस्तकालय आदि हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर जिले में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेंटर भी बनाया जाएगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है खबरों में रहा अनंग पाल सेकेंड किस वंश का राजा था चालुक्य वंश पल्लव वंश तोमर वंश या फिर चेर वंश इसका सही जवाब ऑप्शन सी तोमर वंश हाल ही में सरकार ने राजा अनंगपाल पाल सेकेंड की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है इस समिति का नाम महाराजा अनंगपाल पाल सेकंड मेमोरियल कमेटी है जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के गोंडा से सांसद ब्रजभूषण सिंह है अनंक पाल सेकंड तोमर वंश के राजा थे जिन्हें अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है अनंगपाल सेकंड सैकंड ने ढिलिकापुरी को अपनी राजधानी बनाई जिसे वर्तमान समय में दिल्ली के नाम से जाना जाता है अनंगपाल सेकंड ने दिल्ली में लाल कोट किला और अनंग ताल बावली का निर्माण कराया था तोमर वंश ने लगभग आठवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है द ग्रुप अरेबियन सी वारफेयर एक्सरसाइज में अमेरिका के अलावा कौन सा देश भाग लेगा बेल्जियम फ्रांस जापान या फिर उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने कहा कि वह बेल्जियम फ्रांस एवं जापान की नौसेना के साथ एक अभ्यास का संचालन करेगी इस अभ्यास का नाम द ग्रुप अरेबियन सी वॉरफेयर एक्सरसाइज है चारों देशों की जहाजें इसमें हिस्सा लेंगी यह अभ्यास अरब सागर और ओमान की खाड़ी में होगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अगला प्रश्न है हाल ही में लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा का निधन हो गया बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था विज्ञान खेल साहित्य या फिर नृत्य इसका सही जवाब ऑप्शन डी नृत्य हाल ही में जानी मानी ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा का छियासी वर्ष की उम्र में निधन हो गया लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मेलु चरण मोहपात्रा की पत्नी थी उन्होंने ओडिया फिल्म में अभिनय भी किया था आपको बता दें कि केलुचरण मोहपात्रा ओडीसी और गोटीपुआ डांस के एक्सपर्ट थे तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पुरुष वर्ग में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता ली जी जिया विक्टर एक्सेलसेन कैंटो मोमोटा या फिर लिन इसका सही जवाब ऑप्शन ए ली जी जिया ली जी जिया ने पुरुष वर्ग में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है मलेशियाई खिलाड़ी ली जी जिया ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर यह खिताब जीता आपको बता दें कि जापान की नोजोमी ओकुहारा ने थाईलैंड की पोर्ण पावी चोचू वांग को हराकर महिला वर्ग में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की पाबी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास का संचालन निम्नलिखित में से किस देश के समूहों के बीच किया जाएगा एस सी ओ नाटो बिमस्टेक या फिर सार्क इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड